बिसमीम असल वरम्ला वरक वेलकम टू माय किचन मैं हूं शेफ हाफसा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस ही रेसिपी लेके आई हूं आज हम बनाएंगे एक मजेदार सा कोरियन स्टाइल एग सैंडविच और ये बहुत ही यमी बनता है तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बर्तन में थोड़ा पानी उबाल लेंगे इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट और बहुत ही एहतियात से इसमें तीन अंडे ऐड करेंगे उबलते हुए पानी में अगर हम तेजी से अंडा ऐड कर देंगे तो नीचे से लग के टूट भी सकता है और अब हम इसको कवर करके अंडे को बॉईल कर लेंगे तकरीबन दस मिनट के लिए दस मिनट में अंडा अच्छे से बॉईल हो जाएगा इस तरह से हम एक बोल में पानी भर लेंगे और इसमें अंडा निकालेंगे और 5 मिनट के बाद हम अंडे को सिंपल इस तरह से छिलका उतार लेंगे तो पानी में नमक ऐड करने की वजह से एग शैल जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है अंडे से चिपकता नहीं है बॉइल किए हुए अंडों को हम एक बोर्ड में निकालेंगे और एक मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे तो अंडे जो यहां यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैश हो गए हैं अब हम इसमें तकरीबन थ्री टेबल स्पून मेयनीज ऐड करेंगे वन फोर्टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर वन फोर टी स्पून सॉल्ट और साथ ही हम यहाँ पे वन टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है सैंडविच की हाफ फिलिंग जो वो है वो रेडी है अब हम एक बोल में ऐड करेंगे इस तरह फाइन जूलियन में कटा हुआ गाजर गाजर को इस तरह बारीक लंबाई में कट कर लिया है मैंने और साथ ही हम यहाँ पर हाफ कप जो है वो गोभी ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई लंबाई में इस तरह देखिए गोभी को सिंपल कट कर लिया है मैंने अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक तकरीबन वन फोर टी स्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पाँच मिनट के लिए छोड़ देंगे और पाँच मिनट के बाद हाथ से इसको इस तरह अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे इससे जो भी एक्सेस वाटर होगा वो निकल जाएगा इस तरह इसको हम निकालेंगे एक बोल में और इसमें हम ऐड कर लेंगे तकरीबन तो टू टेबल स्पून मेयोनीज साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून शुगर ऐड कर लेंगे ये पाउडर चीनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये हमारे सैंडविच की बाकी के हाफ फैलेंगे ये भी रेडी हो गई है अब सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम सिंपल एक ब्रेड स्लाइस रखेंगे और उसकी साइड से इस तरह कट कर लेंगे अब हम इसमें कैबेज वाली फिलिंग रखेंगे इस तरह और स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर हम रखेंगे ब्रेड की एक और लेयर इसके ऊपर हम ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी जैम अब आप में से कुछ लोगों को ये अजीब लग सकता है लेकिन ये बहुत ही डिलिशियस लगता है और अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जैम नहीं यूज़ करना चाहते तो सिम्पल यहाँ पे कैचअप ऐड कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा आपको पसंद है वैसा बनाएं अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे एग की फिलिंग ये बहुत ही डिलिशियस होती है और इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इस तरह अंडे की फिलिंग को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और फिर हम इसके ऊपर एक और ब्रेड स्लाइस रखेंगे अब हम सैंडविच को इस तरह प्लास्टिक रैप पे रखेंगे और इस तरह सैंडविच को बहुत ही अच्छे से क्लिंग फिल्म में रैप कर लेंगे तो जी ये अच्छे से रैप हो गया है अब हम सैंडविच को इस तरह सिंपल कट कर लेंगे और यहाँ पे हमारा बहुत ही डिलिशियस से कोरियन सैंडविच जो है वो बिल्कुल रेडी है तो अगर आपको सैंडविच की रेसिपी पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज